बच्चों आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ से तमर जा में। इस वीडियो में हम क्लास 8 का मिशन गणित का दिनांक 14 जुलाई 2023 का कार्य पत्रक लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रति और शत, शत मतलब होता है 100, प्रतिशत यानी प्रति 100, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का चिन्ह इस प्रकार होता है, यानी इस तरह से भिन्न के नीचे और ये गोला लगा दे, ये प्रतिशत होगा। उदाहरण को 20 को प्रतिशत 20% लिखा जा सकता है, इसका अर्थ है 100 रुपये में से 20। अब यहाँ पे देखिए प्रतिशत राशियों की तुलना करने की भी एक विधि है। जैसे गुणिका की परीक्षा का विवरण इस प्रकार है, उसको प्राप्त हुए अंक यानी प्राप्तांक 350 है और कुल अंक 500 है। मिशिका की परीक्षा का विवरण प्राप्तांक 300 है और कुल 400 है। तो यहाँ पे तो दिखने में आपको मिशिका को गुणिका से कम अंक प्राप्त हुए, यानी गुणिका को अधिक अंक प्राप्त हुए, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे हैं जो कि बेहतर कौन है, क्योंकि परीक्षा के कुल अंक दोनों के अलग अलग हैं। भिन्न में प्रदर्शित करने पर गुणिका और मिशिका के प्राप्तांक क्रमशः जो कुल अंक हुए इसके 350, प्राप्तांक 350 गुणिका के और टोटल अंक 500, जबकि गुणिका के हुए कुल अंक 300 और बटे में 400। तो यहाँ भी आप बता पाएंगे, लेकिन यदि इसको प्रतिशत में बदलते हैं, भिन्न में बदलने पे थोड़ा सा आसान हो जाता है, आप वहाँ पे बड़ा छोटा बता पाएंगे, लेकिन वहाँ भी कुछ दिक्कतें आएगी। अब इसको प्रतिशत में यानी पर 100 में बदलें, यहाँ भी यानी पर 100 से गुना कर दें, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 7 35, तो 70% इसका आया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको करेंगे तो ये 75 हो गया। तो इस प्रकार गुणिका को 70 और मिशिका को 75% प्राप्त। अब चूंकि मिशिका के अंकों का प्रतिशत 75% है और गुणिका का 70%, तो इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि मिशिका गुणिका के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। अब कहता है किसी भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को जब दशमलव में बदलेंगे, भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में बदलना, तो भिन्न जैसे 3/8 है, उसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, अब ये प्रतिशत में आ जाएगा। अब जैसे 8 देखिए काट करके, तो ये 4 से कटेगा, तो 4 × 8 और 25 × 4 यानी 75/2% हो गया। इसको और डेसिमल में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। इसी प्रकार 0.05 पर है तो इसको लिख सकते हैं, 0.05 है तो इसको लिखा जा सकता है 5/ में दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 1/2 जीरो, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना जो है परसेंट हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा तो 5%। भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। अब कहता है प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना है, तो प्रतिशत जैसे 65% दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 65 और ये 1/2 जीरो लगा दी, तो इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 0.65, 2 डिजिट पर डेसिमल डाल दी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कर ले, 16 × 48 और 2 = 50,
बटे तीन और प्रतिशत है तो 100 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये दो हो गया तो ये हो गया 1/6। अब इसको भाग देंगे तो 0.16 होगा। प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलने के लिए हम प्रतिशत को 100 से विभाजित कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह हटा देते हैं और फिर उसको सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं। अब अगला दिया हुआ 190 का 40%। तो 190 और का मतलब गुणा होता है और 40% यानी 40/100। तो 10 से यहाँ गया, 10 से यहाँ गया, 19 को 4 से पढ़ेंगे तो 76 आंसर हो गया। इसी प्रकार एक संख्या को दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। अब 625 किलोग्राम का कितना प्रतिशत, इतना है तो कितना प्रतिशत, तो हमें वांछित प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले किसका निकालना है, 2.5 का, किस से निकालना है, 625 से बटे में 625, ये भिन्न हो गया। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, ये प्रतिशत हो गया। तो पहले 25/625 और ये दशमलव था तो यहाँ से 0 डाल दिए। अब गुने में 100 करते हैं तो 10 से 10 कट गया, 625 होता है। अब दस बटे 25 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे 0.4% इसका आंसर है। अगला दिया हुआ निम्नलिखित भिन्न दशमलव को प्रतिशत में बदले, जैसे 11/25 है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये 25 × 100 हो गया यानी 44%। दूसरा है 12 सही और 1/3, तो पहले 12 × 36 137 हो जाएगा, 37/3 और गुने में 100 करते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3700/3%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर यहाँ पे 1/0, 3 = 9, फिर 1/0, 3 = 9, 1/3%। अगला सवाल है आपके यहाँ पे 0.75, तो ये हो जाएगा 75/100 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 75%। अब चौथा है आपके पास 7.5, तो ये हो जाएगा 7.5, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 × 100, तो ये 10 से 10 गया तो यह हो जाएगा 750%। अगला है, इसको कह रहा है दशमलव में निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में व्यक्त कीजिए, तो ये हो जाएगा 3/10 और प्रतिशत है 2/100 हो जाएगा। तो ये 3/1000 हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 के यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, इतना हो गया। अब 5/4 है तो 5/4 और परसेंट है यानी 100 से डिवाइड। अब यहाँ पे आप तो ये हो जाएगा काटेंगे तो 20 × 25 = 100, तो 1/80 और दशमलव के रूप में बदलेंगे हाँ। तो इसको जब हम
भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में तो बदल दिए इसको, अब दशमलव में बदलेंगे तो एक को 80 से डिवाइड कीजिए। ये जीरो दशमलव डाले तो ये हो जाएगा 10, फिर जीरो डाले तो ये हो जाएगा 100, 1 जा 80, फिर 20 आया, फिर 10 और आ गया, 82 जा 16 तो 160 हो जाएगा। अब फिर 10 85 जा 400, तो इसका आंसर आ गया 0.125। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।